अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों ने नाम सुना होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, फिर भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। तो ये रहे, अगर आपने बनाया है तो इसे मैच करके जहाँ पर भी गलतियाँ हों वहाँ पर सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान के नियम क्या है? सब्जेक्ट, जब सेंटेंस के अंत में ता रहेगा, ता हुआ रहेगा, ता हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे, या सिर्फ ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी रहेगा और उसमें समय दिया रहेगा, तो समझ जाना कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में ही सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। सो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है मैंने पहले आपको बता भी दिया और यहाँ पर लिखा भी है। इसका सेंटेंस है, वह गाता रहेगा, वह गाता रहेगा या वह गाता हुआ रहेगा, दोनों एक ही सेंटेंस हुआ, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ओके फ्रेंड्स, सो हम इसको हिंदी में बोलते वक्त कैसे भी बोलते हैं, या तो गाता रहेगा या गाता हुआ रहेगा, दोनों में से कुछ भी बोलते हैं, बट ज़्यादातर हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं बातचीत में, ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं वो गाता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, बट हम फ्यूचर की बात करेंगे कि वो गाता रहेगा, मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ अब से आगे जो भी होने वाला होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, वह गाता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन सिंगिंग। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। इसमें भी सिंस और फॉर लगाने का वही तरीका है जो प्रेजेंट परफेक्ट में था, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, वही तरीका है, सेम तरीका है। ओके फ्रेंड्स, सो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सिंस कहाँ और फॉर कहाँ। वे लोग 2022 से अपना काम नहीं करते रहेंगे, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर दे विल नॉट हैव बीन डूइंग दियर वर्क सिंस 2022। यहाँ पर साल का परफेक्ट नाम दिया है इसके लिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे। क्या तुम 2021 से स्कूल में पढ़ाते रहोगे। विल यू हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2021। ओके फ्रेंड्स, तुम 4 दिनों से होटल में क्यों ठहरे रहोगे। व्हाई विल यू हैव बीन स्टेइंग इन द होटल फॉर 4 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को बनाएंगे। हम कुछ और सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वे लोग अगले सोमवार से पेड़ काटते रहेंगे। दे विल हैव बीन कटिंग द ट्री सिंस नेक्स्ट मंडे। तुम 2 बजे से नदी में तैरते रहोगे। यू विल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस 2 o'clock। वह 2021 से स्कूल क्यों नहीं आता रहेगा। व्हाई विल ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस 2021। क्या तुम्हारे पिताजी अगले महीने से तुम्हें पढ़ाते रहेंगे। विल योर फादर हैव बीन टीचिंग यू सिंस नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर पिछले मंथ, महीने, अगले महीने ऐसा रहता है तो अब हम सिंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। ओके, वह दिसंबर से
नहीं आता रहेगा. He will not have been coming since December. वह शनिवार से सिगरेट नहीं पीता रहेगा. He will not have been smoking since Saturday. तुम सोमवार से क्या करते रहोगे? What will you have been doing since Monday? Okay friends, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं और उसका इंग्लिश अनुवाद कैसे करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज के लिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से लिख लो या स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप फाइल बनाकर सेव कर लो, फिर इसको इंग्लिश में अनुवाद करो और फिर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट क्लास में जो भी दिया जाता है इसका आंसर उससे आप मैच भी किया करो. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये टेंस आज ख़त्म हो गया, मींस फिनिश हो गया टेंस. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस फिनिश हो गए. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा होगा उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा और वो इंग्लिश बोलना शुरू भी कर चुके होंगे. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और एक गुजारिश और कि वीडियो आप रेगुलर देखते रहिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो. सो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद. अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए. हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए. प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए. उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना.